Hello everyone, welcome to all. Today we are going to start our third chapter, the Northern Plains. In this lesson, we will learn about location of the Northern Plains, the three river basins, Satluj, Ganga and Brahmaputra, and the states that lies in the Northern Plains of India. So let we start. The Northern Plains lies between the Himalayas and the Southern Plateaus. Northern Plains जो है वो हिमालयाज और साउथर्न प्लेट्यू के बीच में लोकेटेड है एंड द फ्लैट एंड लेवल नॉर्थर्न प्लेन्स स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट एंड टू असम इन द ईस्ट. जो नॉर्थर्न प्लेन्स है वो फ्लैट और लेवल लैंड है और ये ईस्ट में आसाम तक और वेस्ट में पंजाब तक लोकेटेड है. दे कवर अलमोस्ट द होल ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ बिहार एंड आसाम. नॉर्थर्न प्लेन्स में पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार और आसाम के कुछ पार्ट्स इंक्लूड होते हैं. द नॉर्थर्न प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल प्लेन्स, रिच इन एलिवल सॉइल इन मोस्ट पार्ट. नॉर्थर्न प्लेन्स जो है वो मोस्टली उसका पार्ट जो है बहुत ही फर्टाइल होता है. फर्टाइल है यानी कि बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है और इसी के साथ ही साथ वहाँ के मोस्टली पार्ट्स में एल्यूवियम सॉइल पाई जाती है. इम्पोर्टेंट सिटीज़ इन द नॉर्थर्न प्लेन्स आर अमृतसर, दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी एंड चंडीगढ़. तो नॉर्थर्न प्लेन्स में ये सभी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, इम्पोर्टेंट शहर हैं. नाउ हिमालय रिवर्स. मैनी रिवर्स विच स्टार्ट फ्रॉम द हिमालयाज फ्लो थ्रू दिस रीजन. बहुत सारी रिवर्स हिमालय माउंटेन से ही फ्लो होती हैं और फ्लो होती हुई इस हिमालय माउंटेन की जो हिमालय प्लेन्स है, नॉर्थर्न प्लेन्स है, वहाँ पर आती हैं. सम ऑफ दीज आर सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड यमुना. और इनमें से मेन जो रिवर्स हैं वो है सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड यमुना रिवर. दे कैरी माउंटेन सॉइल कॉल्ड सिल्ट और एल्यूवियम एंड डिपॉजिट इट ऑन देयर बैंक्स. और ये सभी रिवर्स अपने साथ माउंटेन सॉइल लेके आती हैं जिसे कि सिल्ट और एल्यूवियम भी कहा जाता है और नदियों के किनारे पर ये जमा कर देती हैं. दीज आर स्नो फेड रिवर्स सो दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. और ये सभी रिवर्स स्नो फेड रिवर होती हैं यानी कि पूरे साल भर इन नदियों में पानी आता रहता है क्योंकि जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर जो स्नो है वो मेल्ट होती रहती है. द नॉर्थर्न प्लेन्स आर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट और मोस्ट फर्टाइल जो प्लेन्स है वो है हमारा नॉर्थर्न प्लेन्स. दिस एरिया इज कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ इंडिया. और इसे राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि इंडिया का जो मोस्टली राइस है वो इसी एरिया में ग्रो होता है. नाउ डिविज़न ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स. नॉर्थर्न प्लेन्स को तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स के अकॉर्डिंग तीन रिवर बेसिन में डिवाइड किया गया है और ये हैं, फर्स्ट इज़ द सतलज रिवर बेसिन जो कि सतलज रिवर से रिलेटेड है और सेकंड है हमारा गंगा रिवर बेसिन जो गंगा रिवर से रिलेटेड है. देन थर्ड वन इज़ ब्रह्मपुत्र रिवर. ये तीन रिवर बेसिन हैं जो तीन डिफरेंट डिफरेंट रिवर से रिलेटेड हैं. तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं. अब इसमें सबसे पहले है कि रिवर बेसिन क्या है. द डिवाइड द प्लेन्स इनटू थ्री रिवर बेसिन. अ रिवर बेसिन इज़ एन एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. यानी कि वो एरिया जहाँ पर पर्टिकुलर रिवर फ्लो करती है या उससे निकलने वाली जो सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज है, वो फ्लो करती हैं, उस वाटर्ड एरिया को ही कहा जाता है रिवर बेसिन. सपोज गंगा रिवर से वाटर्ड एरिया है तो उसे गंगा रिवर बेसिन कहेंगे और सतलज रिवर है से रिलेटेड या कहें कि सतलज रिवर जहाँ जहाँ पर वाटरिंग कर रहा है वो एरिया कहलाएगा हमारा सतलज रिवर बेसिन. फर्स्ट वी स्टार्ट सतलज रिवर बेसिन. द सतलज एंड द ब्यास फ्लो इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन. सतलज और ब्यास रिवर जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं एंड दे जॉइन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान. और पाकिस्तान तक ये फ्लो करती हुई वहाँ पर इंडस रिवर में मिल जाती हैं. द इंडस फ्लो इनटू द अरेबियन सी. और इंडस रिवर फ्लो होती हुई अरेबियन सी में मिल जाती हैं. पंजाब एंड हरियाणा लाई इन द सतलज बेसिन. सतलज बेसिन में ही पंजाब और हरियाणा स्टेट लोकेटेड हैं एंड द भाखड़ा डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन द सतलज रिवर. सतलज रिवर पर भाखड़ा डैम बनाया गया है. इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरीगेशन. और इसी से इरीगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड किया जाता है इन स्टेट्स में. इलेक्ट्रिसिटी इज़ आल्सो प्रोड्यूस एट द भाखड़ा डैम. भाखड़ा डैम पर
जो है इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है, जिसे कि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। पंजाब एंड हरियाणा आर द टू स्टेट विच गेट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम से मिलने वाला वाटर और इलेक्ट्रिसिटी स्पेशली पंजाब और हरियाणा स्टेट को प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट इज गंगा रिवर बेसिन। द गंगा रिवर ओरिजिनेट एज भागीरथी फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय माउंटेन। हिमालय माउंटेन के गंगोत्री ग्लेशियर से ही भागीरथी रिवर ओरिजिनेट होती है, जिसे कि गंगा रिवर कहा जाता है। इट फ्लोज एट अ हाई स्पीड फ्रॉम द माउंटेन स्लोप। और ये रिवर माउंटेन स्लोप से बहुत ही हाई स्पीड से फ्लो होती है, और जब ये नीचे की तरफ आती है तो इसमें मंदाकिनी और अलकनंदा रिवर ज्वाइन हो जाती है। यानी कि हिमालय माउंटेन से जो भागीरथी रिवर निकलती है उसमें मंदाकिनी और अलकनंदा रिवर भी मिल जाती है, और ये तीनों रिवर ही कंबाइंडली गंगा रिवर कहलाती हैं। द गंगा एंटर्स द नॉर्थन प्लेन्स नियर ऋषिकेश। गंगा रिवर नॉर्थन प्लेन्स में ऋषिकेश से एंट्री लेती है, यानी कि वो जगह नॉर्थन प्लेन की है ऋषिकेश, जहाँ पर गंगा रिवर एंटर होती है। यमुना रिवर विच इज़ द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा आल्सो स्टार्ट फ्रॉम द हिमालय। हिमालय से ही गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी रिवर है यमुना रिवर, वो भी स्टार्ट होती है। एंड देयर आर अ नंबर ऑफ रिवर्स विच फ्लो फ्रॉम द हिमालय एंड जॉइन द मेन स्ट्रीम ऑफ द गंगा। इसी तरीके से कई बहुत सारी नदियाँ हैं जो कि हिमालय से स्टार्ट होती हैं, और धीरे धीरे ये सभी जो हैं गंगा की मेन स्ट्रीम में ज्वाइन हो जाती हैं। दीज इंक्लूड द घाघरा, गोमती, गंडक एंड द कोसी रिवर। द यमुना जॉइन्स गंगा एट अ प्लेस नियर अलाहाबाद। यमुना रिवर गंगा नदी से अलाहाबाद में मिलती हैं, और इस जगह को संगम कहा जाता है। देर इज़ अनादर ट्रिब्यूटरी सोन दैट जॉइन्स द गंगा नियर पटना। इसके साथ ही एक और ट्रिब्यूटरी रिवर है जो है सोन नदी, और वो भी गंगा में पटना के पास मिल जाती है। गंगा फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ये सभी स्टेट्स में गंगा रिवर फ्लो होती है। आफ्टर रीचिंग वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में पहुँचने के बाद ये जो गंगा रिवर है वो साउथ की तरफ डाइवर्ट हो जाती है, और इसकी कई ब्रांचेस बन जाती हैं। मैनी ऑफ देम जॉइन द ब्रह्मपुत्र रिवर आफ्टर पासिंग थ्रू बांग्लादेश आर नेबरिंग कंट्रीज। और इसमें से बहुत सारी नदियाँ जो हैं ब्रह्मपुत्र रिवर में जाकर मिल जाती हैं, जो कि बांग्लादेश से पास होती हैं, जो कि हमारा एक नेबरिंग यानी पड़ोसी देश है। इन वेस्ट बंगाल द गंगा फ्लो स्लोली एंड स्पीड्स इनटू टू ब्रांचेस। वेस्ट बंगाल में गंगा रिवर जब फ्लो होती है तो इसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, और ये टू मेन ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट इज़ द हुगली एंड सेकेंड वन इज़ द पद्मा। द ब्रांचेज ऑफ द गंगा इन बांग्लादेश इज़ नोन एज पद्मा। बांग्लादेश में गंगा की जो ब्रांच फ्लो होती है उसे कहा जाता है पद्मा रिवर। द हुगली इज़ द मेन ब्रांच ऑफ द गंगा इन इंडिया। इंडिया में गंगा रिवर की जो मेन ब्रांच है वो है हुगली, एंड इट फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल। कोलकाता द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द हुगली। और ये ब्रांच यानी हुगली रिवर जो है वो वेस्ट बंगाल में फ्लो होती है, और वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, जो कि इस हुगली नदी के किनारे ही बसा हुआ शहर है। ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। द ब्रह्मपुत्र इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ द थ्री रिवर्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया की जो तीनों रिवर्स हैं उनमें से सबसे लंबी जो रिवर है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर। इट स्टार्ट्स इन तिब्बत वेयर इट इज़ कॉल्ड तसांगपो। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो तिब्बत में स्टार्ट होती है, और वहाँ पर इसे तसांगपो के नाम से जाना जाता है। इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लोज थ्रू आसाम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है, और आसाम में फ्लो होने से पहले ये बांग्लादेश में फ्लो होती है। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे कि सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, और ये सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कहलाता है। मैनी सिटीज़ एग्जिस्ट अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ अलॉन्ग दिल्ली, अलॉन्ग यमुना, कोलकाता, अलॉन्ग हुगली एंड कानपुर, अलाहाबाद, पटना, वाराणसी अलॉन्ग गंगा। तो कुछ शहर ऐसे हैं, कोई या हम कहें कि बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कि इन इम्पॉर्टेंट रिवर्स के किनारे ही बसे हुए हैं। उनमें से है दिल्ली, जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, कोलकाता, हुगली एंड कानपुर, अलाहाबाद, पटना, वाराणसी, ये सभी शहर जो हैं गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। मैनी गुड्स आर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज विच आर लोकेटेड इन दिस सिटीज़। और इन शहरों में कई इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, जहाँ पर कि कई गुड्स और आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। बट द हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम दीज फैक्ट्रीज आर डिस्चार्ज इन टू द रिवर्स। लेकिन इन फैक्ट्रीज से निकलने वाला जो वेस्टेज है वो इन रिवर्स में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, यानी कि छोड़ दिया जाता है।
दिस मेक्स द रिवर वाटर डर्टी, और इससे नदियाँ जो हैं वो गंदी हो जाती हैं, एंड इट बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर यूजेज, और इससे जो नदियों का पानी है वो ड्रिंकिंग के लायक नहीं रहता, यानी कि ड्रिंकेबल नहीं होता है, और इसके साथ ही साथ वो दूसरे यूज़ भी नहीं आता है. द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड ए प्रोजेक्ट टू क्लीन द गंगा रिवर एंड प्रिवेंट इट्स फर्दर पॉल्यूशन, और हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इस गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए, साफ़ करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा गया है, और जिसे कि गंगा एक्शन प्लान कहा जाता है, और फर्दर यानी कि फ्यूचर में भी उसे पॉल्यूशन से बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है. द प्लांट्स ऑफ द प्लेन्स ऑफ द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर हैव बीन इनहेबिटेड बाई पीपल सिंस अर्ली टाइम्स, और पुराने समय से ही नदियों के किनारे जो है शहर बसते आए हैं. तो गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे भी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, या हम कहें कि बहुत मेन जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है वो नदियों के किनारे ही बसी हुई है. द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लाई इन दिस रीजन, और ये सभी स्टेट्स और हमारी जो नेशनल कैपिटल है दिल्ली, वो भी नॉर्थन प्लेन्स में ही लोकेटेड है. पार्ट्स ऑफ आसाम ऑल्सो लाई इन दिस रीजन, इसके साथ ही आसाम का कुछ पार्ट भी नॉर्थन प्लेन्स में ही लोकेटेड है. फर्स्ट इज द पंजाब. पंजाब इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स बिकॉज फाइव रिवर्स फ्लोड इन दिस स्टेट. पंजाब को पांच नदियों का शहर, या हम कहें कि पांच नदियों की धरती कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस स्टेट में फाइव रिवर्स फ्लो करती थी. बट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब बिकम ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन 1947. लेकिन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पंजाब का जो वेस्टर्न पार्ट था वहाँ पर फ्लो होने वाली रिवर्स तब से पाकिस्तान में चली गई. आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद, नाउ ओनली थ्री मेन रिवर्स फ्लो थ्रू द इंडियन पार्ट ऑफ पंजाब, और अब पंजाब में एट प्रेजेंट ओनली थ्री रिवर्स ही फ्लो करती, यानी कि टू रिवर्स जो थी वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चली गई, और इंडिया में केवल तीन रिवर फ्लो करती, वो है ब्यास, रावी एंड सतलज रिवर. पंजाब लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन, और पंजाब स्टेट जो है नॉर्थन प्लेन के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है. मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग, इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड हार्ड वर्किंग पीपल हैव मेड इट्स अ प्रॉस्परस स्टेट, और यहाँ के लोगों की जो हार्ड वर्किंग है यानी कि कड़ी मेहनत की वजह से इरिगेशन फैसिलिटीज़, जो मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, मेथड ऑफ फार्मिंग है, उन वजह से ही ये जो स्टेट्स है वो प्रॉस्परस यानी एक समृद्ध स्टेट बना है. फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है फार्मिंग, एंड इट इज़ रिच इन क्रॉप सच एज वीट, राइस, मेज एंड ऑयल सीड्स. ये सभी जो क्रॉप्स हैं वहाँ यहाँ ग्रो की जाती है फार्मर्स द्वारा. मैन वियर धोती, कुर्ता एंड लुंगी, वाइल वुमेन वियर सलवार कमीज एंड दुपट्टा. मैन जो है वो धोती, कुर्ता और लुंगी पहनते हैं, और वुमेन जो है सलवार कमीज और दुपट्टा पहनते हैं. द पीपल ऑफ पंजाब स्पीक पंजाबी एंड हिंदी, दे ईट मक्की की रोटी एंड सरसों का साग इन विंटर्स. यहाँ के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है पंजाबी और हिंदी, और उनका जो मेन फूड है विंटर सीजन में वो है मक्के की रोटी और सरसों का साग. बैसाखी और गुरुपर्व यहाँ के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, और भांगड़ा और गिद्धा यहाँ के फेमस फोक डांस हैं. जालंधर, लुधियाना, अमृतसर ये पंजाब की इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, और चंडीगढ़ जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, ये पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल सिटी है. जालंधर इज़ अ फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड्स, लुधियाना इज़ नोन फॉर होजरी एंड वुलन गुड्स, अमृतसर एंड धारीवाल आर इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ वुलन प्रोडक्ट्स. अमृतसर इज़ ऑल्सो फेमस फॉर द गोल्डन टेम्पल, इट इज़ द होलीस्ट प्लेस ऑफ द पिलग्रिम्स फॉर द सिख. जालंधर जो है वो स्पोर्ट्स गुड्स के लिए फेमस है, लुधियाना जो कि होजरी और वुलन गुड्स के लिए जाना जाता है, अमृतसर और धारीवाल जो है इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं वुलन प्रोडक्ट्स के, और अमृतसर जिससे कि गोल्डन टेम्पल के लिए फेमस है, और ये सिखों का पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है. नेक्स्ट स्टेट इज हरियाणा. हरियाणा मीन्स अबॉड ऑफ गॉड, यानी कि देवताओं का घर. इट शोज ए शेयर बाउंड्रीज विद पंजाब, राजस्थान, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश. हरियाणा स्टेट पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से टच में है. फार्मिंग इंक्लूडिंग डेयरी फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. मेजर क्रॉप्स ग्रोन हियर आर वीट, राइस, मेज, पल्सेज एंड शुगर केन. देर इज़ अ बिग डेयरी फार्म एंड रिसर्च सेंटर एट करनाल. अ बिग कैटल फेयर इज हेल्ड एट हिसार एवरी ईयर. फार्मिंग यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, उसके साथ ही साथ डेयरी फार्मिंग भी लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है, और यहाँ पर जो है वीट, राइस, मेज, पल्सेज और शुगर केन ग्रो की जाती है, और एक बिग डेयरी फार्म है, और साथ ही साथ करनाल में रिसर्च सेंटर भी है. हिसार में हर साल बड़ा एक बहुत बड़ा
कैटल फेयर यानी पशु मेला भी आयोजित किया जाता है। गुरुग्राम इज़ फेमस फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़। गुरुग्राम जिसे कि गुड़गांव के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ फेमस है। मेनली कार सच एज मारुति और स्पेशली मारुति कार यहाँ बनाई जाती है। फरीदाबाद इज़ एन इंडस्ट्रियल टाउन लोकेटेड नियर बाय। सोनीपत इज़ फेमस फॉर बाईसाइकिल वाइल पानीपत इज़ फेमस फॉर हैंडलूम क्लोथ। तो फरीदाबाद जो है वो इंडस्ट्रियल टाउन सिटी है और सोनीपत में जो है बाईसाइकिल के लिए फेमस है, तो पानीपत हैंडलूम क्लोथ्स के लिए फेमस है। वुमेन वियर घाघरा चोली एंड ओढ़नी, द मैन वियर धोती एंड कुर्ता, हरियाणवी एंड हिंदी आर द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल। वुमेन जो है यहाँ घाघरा चोली और ओढ़नी पहनती है, तो मैन की जो ड्रेस है वो है धोती कुर्ता। हरियाणवी और हिंदी यहाँ के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। रोटी दाल कर्ड एंड मिल्क आर द मेन फूड्स ईटन इन हरियाणा। हरियाणा में रोटी दाल कर्ड यानी दही और मिल्क यही यहाँ का मेन फूड है। एंड तीज जो है हरियाणा का मेन फेस्टिवल माना जाता है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट, इट हैज़ वेरी फर्टाइल सॉइल। उत्तर प्रदेश जो है इंडिया का मोस्ट पॉपुलस स्टेट यानी कि यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल प्रैक्टिस फार्मिंग और यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल है, इसलिए अधिकतर लोग यहाँ पर फार्मिंग करते हैं। द मेन क्रॉप्स ग्रोन आर वीट राइस शुगर केन ऑयल सीड्स एंड पल्सेस। ये सभी क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो की जाती है। कॉटन टेक्सटाइल शुगर ग्लास लेदर एंड फर्टिलाइजर्स आर द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ फैक्ट्रीज लोकेटेड हियर। कानपुर नोएडा गाजियाबाद मेरठ एंड आर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन। कानपुर नोएडा गाजियाबाद और मेरठ एक यहाँ पर यानी कि उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं। द वर्ल्ड फेमस ताजमहल इज़ इन आगरा। बनारस सिल्क एंड लखनवी चिकन एम्ब्रॉयडरी आर वेरी फेमस। तो आगरा में लोकेटेड है ताजमहल जो कि वर्ल्ड फेमस है और बनारस सिल्क और लखनवी चिकन वर्क भी यहाँ पर फेमस है। वुमेन वियर साड़ीज वाइल मैन वियर धोती कुर्ता और कुर्ता पैजामा। दाल रोटी एंड वेजिटेबल्स आर द स्टेपल डाइट। पीपल स्पीक हिंदी एंड उर्दू और यहाँ के लोगों का जो मेन फूड है वो दाल रोटी और वेजिटेबल। द मेन फेस्टिवल आर ईद शिवरात्रि एंड जन्माष्टमी। लखनऊ इज़ द कैपिटल, अलाहाबाद इज़ द सेंटर ऑफ कुंभ मेला। जो मेन फेस्टिवल है उत्तर प्रदेश के वो है ईद शिवरात्रि और जन्माष्टमी और लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है और इलाहाबाद जो है कुंभ मेला का मेन सेंटर है। नाउ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर्स एंड फिशरमैन। यहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग एंड फिशिंग। फिश एंड राइस इज द स्टेपल फूड। साड़ी इज़ द मेन ड्रेस ऑफ बंगाली वुमन एंड दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड लव टू स्टेज प्लेस। तो यहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग और इसी के साथ है फिशिंग और फिश और राइस यहाँ का स्टेपल फूड है। बंगाली वुमेन द्वारा जो साड़ी पहनी जाती है वो एक अलग स्टाइल में पहनी जाती है जो कि मेन ड्रेस है और इसी के साथ यहाँ के लोगों का जो है म्यूज़िक और डांस का बहुत ही ज़्यादा शौक है। मैन वेयर धोती कुर्ता, पीपल स्पीक बंगाली। दुर्गा पूजा इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल। मैन जो है वो धोती कुर्ता पहनते हैं और लोग यहाँ पर बंगाली भाषा बोलते हैं और यहाँ वेस्ट बंगाल का जो मेन फेस्टिवल है वो है दुर्गा पूजा और इसी के साथ द फेमस शांति निकेतन फाउंडेड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो फाउंडर किया गया है शांति निकेतन वो भी यहाँ पर वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है और वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। दिल्ली, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। इट इज़ नोन एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड ऑफ दिल्ली। इट इज़ द सीट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल है और इसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी के नाम से भी जाना जाता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मेन सीट है यहाँ पर ही है। इट इज़ अ कॉस्मोपॉलिटियन सिटी एंड रिप्रेजेंट अ मिक्स्ड कल्चर। यहाँ पर देश के विभिन्न भागों से लोग आते हैं, अपना जो है एम्प्लॉय का मतलब कि काम करते हैं और इसी कारण से इंडिया का जो दिल्ली है उसे मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है एक मिक्स्ड कल्चर हमें देखने को मिलता है। इट हैज़ पीपल फ्रॉम द ऑल रिलीजन्स रीजन्स एंड कास्ट स्पीकिंग वेरियस लैंग्वेजेस एंड फॉलोइंग वेरियस कस्टम। तो अलग अलग एरिया से आने वाले लोग अपने अपने कस्टम फॉलो करते हैं, अपनी लैंग्वेज बोलते हैं और मोस्ट ऑफ देम आर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज स्कूल्स एंड प्राइवेट फर्म्स। अधिकतर लोग जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, इसी के साथ कुछ प्राइवेट फर्म्स में भी हैं तो कुछ स्कूल्स में वर्क करते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश आर द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर। हिंदी और इंग्लिश भाषा यहाँ पर बोली जाती है। दिल्ली हैज़ मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स लाइक रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, ओल्ड फोर्ट, राष्ट्रपति भवन। सम ऑफ द फेमस टेम्पल्स आर बिरला टेम्पल, लोटस टेम्पल, छत्रपुर
टेम्पल एंड अक्षरधाम टेम्पल, ये सभी दिल्ली सिटी में लोकेटेड हैं। ऑल दिस प्लेसेज आर थ्रोन्ड बाय डिवोटीज। द पीपल ऑफ दिल्ली सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स एंड ऑल रिपब्लिक डे एंड द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन दिल्ली आर द मेन अट्रैक्शन। तो दिल्ली में जो रिपब्लिक डे है और इंडिपेंडेंस डे जो हमारे नेशनल फेस्टिवल है वो भी बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। दिल्ली मेट्रो रेल हैज़ द चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन दिल्ली। दिल्ली में जो मेन ट्रांसपोर्टेशन मोड है वो है वहाँ की मेट्रो ट्रेन। बिहार हैज़ प्लेड ए इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन हिस्ट्री एंड एंशियंट पीरियड। लॉर्ड महावीरा वॉज बॉर्न हियर एंड लॉर्ड बुद्धा रिसीव्ड एनलाइटमेंट एट बोधगया। तो बिहार में ही लॉर्ड महावीर जो थे उनका जन्म हुआ था और लॉर्ड बुद्धा ने भी यहीं से बोधगया में जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इंडियाज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड फेमस फ्रीडम फाइटर्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिलोंग टू बिहार। हमारे देश के प्रथम जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका भी जन्म बिहार में ही हुआ था। चीफ क्रॉप्स ग्रोन हियर आर राइस, वीट, शुगर केन एंड पल्सेस। और यहाँ की जो मेन क्रॉप्स हैं वो राइस, वीट, शुगर केन और पल्सेस, यानी कि दालें। पीपल स्पीक हिंदी, मैथिली एंड भोजपुरी। यहाँ पर बोली जाने वाली जो भाषा है वो है हिंदी, मैथिली और भोजपुरी। पटना जो कि गंगा रिवर के किनारे बसा हुआ है, यानी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है और ये बिहार की कैपिटल है। दशहरा, होली, दिवाली, छठ और ईद जो है बिहार के मेन फेस्टिवल है। नेक्स्ट इज़ झारखंड। द कैपिटल ऑफ झारखंड इज़ रांची। झारखंड वॉज कार्ड आउट ऑफ बिहार इन द ईयर 2000, यानी कि झारखंड की जो कैपिटल है वो है रांची और 2000 यानी ईयर 2000 में बिहार जो है उससे ही हट के बना है रांची, झारखंड स्टेट। धनबाद, झरिया, बोकारो एंड जमशेदपुर आर अदर इम्पोर्टेंट टाउन्स ऑफ झारखंड। झारखंड इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन, कोल एंड बॉक्साइट। आसाम। आसाम इज़ इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स। आसाम इज़ फेमस फॉर इट्स टी। आसाम हैज़ ह्यूज डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम। आसाम जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक स्टेट है और यहाँ पर राइस और जूट उगाई जाती हैं और आसाम का जो फेमस है वो है वहाँ की टी। दिसपुर आसाम की कैपिटल है। गुवाहाटी जो है आसाम का लार्जेस्ट सिटी है। असमीज इज़ द मेन लैंग्वेज एंड बिहू इज़ द मेन फेस्टिवल। मेन लैंग्वेज है यहाँ की असमीज और जो डांस है वो है बिहू डांस और फेस्टिवल भी है बिहू। द काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम इज़ फेमस फॉर इट्स वन हॉर्न राइनोसोर्स। आसाम का काजीरंगा नेशनल पार्क अपने वन हॉर्न राइनोसोर्स के लिए फेमस है। त्रिपुरा, इट इज़ सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन थ्री साइड्स। त्रिपुरा जो कि तीनों साइड से बांग्लादेश कंट्री से सराउंडेड है और इसकी कैपिटल है अगरतला। राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स और यहाँ की जो मेन क्रॉप्स है वो है राइस और जूट। ओके, थैंक यू।